अभी जैसे कार्यमित्रा की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें दोनों में हम लोगों ने बैठक तो बहुत हो रही है, आपको लग रहा है कि चर्चा हो पाएगी कि किसी सरकार के रूप को देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है? देखिए, जो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है कि COVID-19 और प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, दरोगा की अब ये स्थिति हो गई है कि DGP यहाँ अगर एप्लीकेशन दीजिए, मुख्यमंत्री को दीजिए, तो वो फरियादी से कहता है कि तेरी दरखास्त मेरे यहाँ आएगी, तुम माल दो हमको, तुम्हारा काम करने नहीं, तुम घूमते रहो। और विधायक पीते जा रहे हैं, विधायकों की बात, मंत्रियों की बात, सांसदों की बात थाने पर सुनी नहीं जा रही है। सर, ये तो आप तब भी कहते, तो आपकी बात जब मंत्री ने तभी नहीं सुनी जाती थी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं, मैं तो छोड़ दिया इसी ना, कि मंत्री रहते जब आपकी बात नहीं सुनी जाती थी तो आपको विधायक रहे। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के विधायक, आपने देखा कि गोरखपुर के सांसद बांकपास गांव के, वो अपना खुद मुकदमा नहीं लिखवा पा रहे थे। आपने देखा कि आपके हरदोई के सांसद, उन्होंने बयान दिया कि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। हरदोई के दो दो विधायक, आपके बाराबंकी के बीजेपी के विधायक, बस्ती के बीजेपी के विधायक हाईकोर्ट तक जाकर मुकदमा कर दिए हैं। तो सरकार इन सब इश्यू पे चर्चा की तैयार नहीं, तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर इन विषयों पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, अगर वो चर्चा नहीं करते हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस है, बसपा है और सपा है, ये हम लोग विपक्ष के पार्टी हैं, हम लोग एक साथ होकर के, हमारा प्रयास होगा कि हम लोग एक साथ होकर के बाहर मूर्ति के सामने, हम चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने हम लोग शांतिप्रिय ढंग से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपनी बात मीडिया के माध्यम से हम लोग जनता को बताना चाहेंगे कि भाई आज जो प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, COVID-19 में विधायकों के तनख्वाह काटे गए अच्छी बात है, विधायक निधि ले ली गई अच्छी बात है, सांसद निधि ले ली गई अच्छी बात है, लेकिन पुलिस विभाग जो सड़क पर खड़ा कराया था आपने, उसकी तनख्वाह क्यों काट ली है? जो अस्पताल में डॉक्टर जूझ रहा है उसको आपने, उसकी तनख्वाह क्यों काट ली है? सरकार ना किसान से मतलब है, प्रदेश में यूरिया मिले, खाद मिले किसान को, उसको उससे चिंता नहीं है, चिंता उसको है कि हिंदू मुसलमान करके वोट हम कितना बना लें, उसको एक बात की चिंता है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा के हम वोट कितना बना लें, ना उसको किसान से मतलब है, ना युवा जो बेरोजगार है उसको, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने से मतलब है। प्रदेश में अपराध, मतलब कि ये समझ लीजिए कि चरम पे है, अति हो गई है, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। आज शराब की दुकान खुली है लेकिन शिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकार कह रही है कि COVID-19 है, तो आप सरकार शराब की दुकान क्यों खोले हो? शराब की दुकान पे भीड़ लग रही है, उसको आप क्यों नहीं बंद करते हो? लेकिन सरकार शुद्ध रूप से ना किसानों के प्रति वो संवेदनशील है, ना युवाओं के प्रति, ना नौजवानों के प्रति, ना आम आदमी। आप सही बात देख रहे हैं, हिटलर साई कितनी है, पत्रकार सही बात दिखा दिया, आज हजारों पत्रकारों के ऊपर उत्तर प्रदेश में मुकदमे लिखे गए, कई लोग जेल गए, कई लोग जल सत्याग्रह कर लिए। तो इस सरकार से बस जो वो कहे वही सही है, ये उनकी पॉलिसी है कि जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जो कहे खाता न बही, जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी कहे वही सब सही।